वो यहाँ के लोकेशन के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से बात में सबसे पहले वेडिंग फोटोग्राफर, मैं गौतम वरिया सबसे पहले वेडिंग फोटोग्राफर, ठीक है, आपका मेंटर, आपका फैकल्टी, वो सब बात वेडिंग फोटोग्राफर और आप सब भी वेडिंग फोटोग्राफर ही है। तो यहाँ पे किसी को भी किसी भी चीज को पूछने के लिए कभी भी झिझक मत कीजिए, बिकॉज वेडिंग फोटोग्राफर इसलिए बोलता हूँ, वेडिंग फोटोग्राफर एक भाई है, एक परिवार है, हम सब एक परिवार है। तो किसी को भी कुछ पूछने के लिए कभी भी झिझक मत, यानी यहाँ पे काफी सारे लोगों को कुछ पूछने में शर्म आएगी। मैं आपको बता दूँ कि एक बच्चा जब रोता है ना, तभी उसकी माँ उसको खाना खिलाती है, उसको भी मांगना पड़ता है। तो आपको क्या जरूरत है जब तक आप पेश नहीं करोगे, मैं तो बोलता हूँ सबके सामने पेश करो, शर्माओ मत, शर्माओगे तो आपका वो अंदर का अंदर ही रह जाएगा। सबके सामने कोई किसी को लोगों को शर्म आ शर्म भी आएगा, मैं पूछूंगा कोई मजाक उड़ाएगा, कोई नहीं हंसेगा, उसका सवाल शायद आपका सवाल हो सकता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शर्म मत करो, यहाँ पे हर रोज नया सीखना है। हमारा फोटोग्राफी फील्ड ऐसा है कि कभी भी सीखने के लिए खत्म ही नहीं होगा। पहले तो मैं यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट जोया लोगो, आइए आइए, ये हमारे लिए एक फक्र की बात है, इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर फोटोग्राफर, BBC पे, NDTV पे, बहुत सारी जगह पे छाए हुए एक सेलिब्रिटी है जो आज हमारे साथ है। मैंने जब इनको इनवाइट किया, मुझे भी लगा कि आएंगे नहीं आएंगे, और ये भी फर्स्ट टाइम निकल रहे कि ऐसा लंबा ट्रैवल, उनको भी डर था, पहली बार तो डर गए, मैंने कब टिकट बनाया सर इतना लंबा आना, मतलब मैं हूँ ना, और मैंने इनको हिम्मत दी। तो जोया लोगो हमारे साथ है 2 दिन, तो आइए, हमारे लिए एक फक्र की बात है कि हमारी फोटोग्राफी फील्ड से कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके ऊपर हम प्राउड फील कर सकें, ये फोटोग्राफर, फर्स्ट ट्रांसजेंडर फोटोग्राफर जोया लोगो, इनके लिए क्लैप। हमारी फील्ड में कैसे कैसे लोग और कहां कहां से जुड़ रहे हैं। Nowadays a photographer, we proud ourselves, we are a photographer. Before some years ago, के यार किसी को शर्म आती थी बोलने में, यार हम फोटोग्राफर हैं, बट आज की डेट में डॉक्टर के लड़के फोटोग्राफर बन रहे भाई, तो हमारे लिए फक्र की बात है कि हम फोटोग्राफर हैं। अरे बहुत बहुत सारे लोग इंजीनियर डॉक्टर वो लोग भी फोटोग्राफर बनना चाहते हैं भाई, मेरे पास भी सीखने आते हैं ना, मेरे पास भी सीखने आते हैं कि हम डॉक्टर की डिग्री ऑलरेडी ले चुकी है। पहले अपना इंट्रोडक्शन पहले जोया से शुरुआत करते हैं, इंट्रोड्यूस और सेल्फ। सो हाय टू एवरीवन, सबको नमस्कार, मेरा नाम जोया थॉमस लोबो है, मैं इंडिया से फर्स्ट ट्रांसजेंडर फोटो जर्नलिस्ट हूँ। सो मैं मेरा स्टोरी बताने जाऊँ तो बहुत लंबी स्टोरी है, लाइक चाइल्डहुड से फोटो जर्नलिस्ट तक का एक लंबा पीरियड है, बट लाइफ में कभी डिसाइड नहीं किया था कि मैं फोटो जर्नलिज्म में जाऊँगी या मैं कैमरा कभी हाथ में पकड़ूंगी, फोटोग्राफी का करियर में, ये फोटोग्राफी लाइन मेरे लिए मेरा करियर बनेगा। एक टाइम ऐसा था कि मुंबई की लोकल ट्रेन में मेरी लाइफ लाइन चलती थी। 2010 के एंड में ट्रांस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, तभी से लेके 2019 के स्टार्ट तक कभी लगा नहीं था कि कुछ पैसे बचा के, जो ट्रेन में मांगे हुए पैसे है या दुकानों में मांगे हुए पैसे, दिवाली के शगुन में जो मांगे हुए पैसे, आपने कई टाइम देखा रहेगा ट्रेवल करते हुए कि मेरे जो टूटने भी लगे थे, पर जिद हारी नहीं मैं। और वो जिद तब बड़ी मेरी, कैमरा लेना तो मेरा कुछ गोल नहीं था, एक्चुअली मुझे लेना था वायलिन, मुझे म्यूजिशियन बनना था, मुझे वायलिन प्ले करना था। तो ऐसा हुआ कि पैसे तो इकट्ठा हो गए, चलो मार्केट जाना है, तो मैं मार्केट पहुंची, मैं वायलिन के दुकान पे पहुंची, और वो बॉम्बे का सबसे फेमस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट शॉप है। मैं वहां पहुंची, मैं साड़ी पहनी थी नॉर्मल हमारे जो गेटअप में थी, उसे लगा कि मैं वायलिन अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, हालांकि उसके पास बेसिक वायलिन था, तो उसने मुझे एंटरटेन नहीं किया, मेरे को बताया नहीं सही से। तो मैं बस एक जिद पकड़ी मन में कि आज अगर इधर से निकलना है और इसके शॉप में दोबारा आना है तो लाइफ में कुछ तो बनना है ऐसा स्ट्रॉन्ग कि दोबारा इसके दुकान में कदम रखूं तो ये मुझे एंटरटेन करे और वेल एक ट्रीटमेंट दे के जो क्लाइंट को दी जाती है। और मैं वहाँ से आगे निकली, आगे गई, मुझे वायलिन की शॉप दूसरी मिली, वहाँ से मैंने बेसिक वायलिन खरीदा। तो अब कैमरा के तरफ ऐसे बढ़ना हुआ कि आगे बढ़े बोरा बाजार, जैसे आपको मालूम रहेगा कैमरा का फोटो मार्केट है, तो वहाँ पहुंची, वहाँ कैमरास बहुत सारे से डिस्प्ले में देखे। तो जब मैंने निकॉन D5100 ये क्रॉप सेंसर कैमरा देखा फर्स्ट टाइम, जो कम से कम 1.5 ईयर चलाया हुआ कैमरा था, उसका स्क्रीन फ्लिप हो रहा था,
तो मैं और एक्साइटेड हो गई कि स्क्रीन फ्लिप हो रहा है। उस रात मैंने ये सोचा नहीं कि आज रुपए रात के खाने के लिए बचेंगे तो ठीक है, नहीं बचे तो भी ठीक है, वो देखेगा मुझे। बात हुई दुकान वाले से, पैसे रखे, थोड़ा बार्गेनिंग हुआ, कैमरा खरीदा। ऑटो पे जिंदगी चल रही थी, ऑटो पे खींचते हुए फोटोज कर रही थी। फिर कैमरा लेने के बाद तो लोकल ट्रेन की लाइफ चल रही थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि एक रैली अटेंड की मैंने हमारे ट्रांस कम्युनिटी की, वहाँ पे मुझे मेरे मेंटोर मिले जिन्होंने मुझे मैनुअल एपेचर आईएसओ शटर क्या होता है, कैमरा को कैसे फोकस करना है, क्या करना है, उन्होंने सिखाया कि सब्जेक्ट को फोकस में लेके बैकग्राउंड क्या ब्लर करते हैं, उन्होंने बताया। एंड पेंडेमिक जब आया तो इस पेंडेमिक में मुंबई के बैंड्रा ये एरिया में माइग्रेंट लेबर्स जो थे पेंडेमिक में 2,000 से 3,000 माइग्रेंट लेबर्स जमा हो गए थे। ये प्रोटेस्ट चल रहा था और उस वक्त मैं कुछ काम से निकली थी। मैंने देखा ये माइग्रेंट लेबर्स जमा है, तो मैं घर भाग के गई, मैंने कैमरा लाया, वीडियो प्लस फोटो। और वो वक्त ऐसा था कि टेली वाइड पे मेरे को खेलना पड़ रहा था। और ये भी डर बैटिंग फील्ड से, तो मैं आपको आपने जल्दी देखा नहीं रहेगा वो, बट मैंने जब एक्सपीरियंस किया मेरे को डर भी था, बट उन चीज़ों को एक साथ उस इमोशन को कंट्रोल करते हुए मैंने फोटोज खींचे। तो मुंबई के मुंबई मिरर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, और मेरे बारे में जानना चाहते हो तो आप गूगल पे जोया थॉमस लोगो टाइप कर सकते हो, आपको मेरे आर्टिकल्स, वीडियोस, वीडियो स्टोरीज मिलेंगे उसमें। मन में आशीर्वाद तो हमेशा मालिक का आपके साथ है, मन में जिद होनी चाहिए कि हमें करना है, ये जिद हमारी हमें आगे लेके जाएगी। जब तक जिद नहीं रखोगे कोई आगे नहीं है। आज मैंने जिद नहीं रखी थी कि ये कमर्शियल या वेडिंग मुझे सीखना है तो मैं आज इधर ना होती, मैं न्यूज में ही होती। बट आज मैंने भी जिद रखी कि मुझे कमर्शियल और वेडिंग सीखना है, तो आज मैं गौतम सर के साथ।